नमस्कार, मैं भाग्यश्री। मिसिंग न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खनन क्षेत्र से जुड़ी नई तकनीक सीखने के लिए 40 आदिवासी छात्र अगले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बी प्रभाकरन ने बताया कि 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद इन छात्रों को लॉयड मेटल्स में काम करने का मौका दिया जाएगा। नक्सलियों और स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद सूरजगढ़ पहाड़ी पर लोह अयस्क का खनन शुरू किया गया। इसके बाद लॉयड मेटल कंपनी के निदेशक बी प्रभाकरन पहली बार मीडिया से बातचीत की। सूरजगढ़ लोह परियोजना गढ़चिरौली के लिए एक परिवर्तनकारी परियोजना बनने जा रही है। 1960 में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण टाटा जैसी कंपनियां पहाड़ी पर लोह अयस्क का खनन नहीं कर सकी। 60 साल बाद आखिरकार यहाँ खनिज उत्खनन शुरू हो गया है। प्रभाकरन ने कहा कि इससे आने वाले दिनों में गढ़चिरौली समेत महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र को पुनरुद्धार मिलेगा। स्थानीय लोगों और नक्सलियों के विरोध पर पहली बार बोलते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआत में नक्सलियों के आतंक के कारण हमारे लिए लोगों को खदानों में काम पर लाना मुश्किल था। पुलिस विभाग द्वारा दी गई सुरक्षा गारंटी के कारण आज आसपास के गाँव से सैकड़ों लोग खदान में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सहमति के बिना हम यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। 3 मिलियन टन में से 10 मिलियन टन को मंजूरी दे दी गई है। दूसरी ओर कोनसरी में फैक्ट्री के हिस्से का पहला चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। फिलहाल इसमें 2,500 करोड़ का निवेश किया गया है और इसे बढ़ाकर 20,000 करोड़ किया जाएगा। इसलिए भविष्य में कोनसरी में बड़ी मात्रा में लोह उत्पादन करने का हमारा लक्ष्य है। इससे करीब 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और इतना ही नहीं बल्कि अब खदान में काम करने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पहाड़ी पर एक केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे भविष्य में प्रभावित क्षेत्रों के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार पाने में मदद मिलेगी। यदि प्रस्तावित माइनिंग कॉरिडोर पूरा हो जाता है तो यहाँ के नागरिकों को यातायात जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस मौके पर प्रभाकरन ने भी कहा, माइनिंग यहाँ करेंगे तो स्टील का निर्माण भी इसी जिले में होना चाहिए। आणि त्यानंतर त्यांनी जागा मागितली, आपण कोणसरीला जागा त्यांना दिली, त्याचं आपण भूमिपूजन केलं। ते भूमिपूजन झालं त्यावेळेस अनेक लोक म्हणत होते गडचिरोली जिल्ह्यात अशी अनेक भूमिपूजन होतात, कामं होत नाही। पण मी सांगितलं होतं हे भूमिपूजन हे देवेंद्र फडणवीसने केलेलं भूमिपूजन आहे, मी नकली भूमिपूजन करत नाही, त्यामुळे इथे निश्चितपणे प्लॅन तयार होईल। बीसीएन न्यूज के लिए गडचिरोली से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट। बाढ़ के कारण आज भी गढ़चिरौली जिले के दूरदराज के इलाकों का संपर्क टूटा हुआ है, जो कि क्षेत्र के नागरिकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए वे पुलों और सड़कों का एक नया नेटवर्क बनाएंगे और उन्हें बारहमासी सड़कों से जोड़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली जिले के बुर्गी सुरजागढ़ जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस समय वह बात कर रहे थे। गढ़चिरौली के इतिहास में देवेंद्र फडणवीस पहले वरिष्ठ जन प्रतिनिधि है जो अति दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोठीकोनार में जाएंगे। उनके द्वारा कोठीकोनार में वीर बाबूराव शेरमा के ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस पुल से 36 राज्य और 17 गांव को जोड़ा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि जो गांव मानसून के दौरान सड़क से नहीं जुड़े हैं, उन्हें पुलों और बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री फडणवीस सूरजगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, सांसद अशोक नीति, विधायक डॉक्टर देवरा होली, कृष्णा गजबे, पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप पाटिल, कलेक्टर संजय मीना, पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, लॉयड मेटल के प्रबंध निदेशक बी प्रभाकरन और अन्य उपस्थित थे। आगे उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यहाँ की आदिवासी संस्कृति और परंपराएं पर्यावरण ही पूरक है, इसे संरक्षित करके ही जिले का विकास होगा। पर्यावरण अनुकूल खनिज से गढ़चिरौली समृद्ध होगा। प्रभाकरन ने पर्यावरण की रक्षा और स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लॉयड मेटल्स की शुरुआत की है। कोनसरी गांव को लॉयड मेटल को नया स्थान दिया गया है और इसका भूमि पूजन भी हो चुका है। गढ़चिरौली में 20,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई है, इसलिए यहाँ के भूमि पुत्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
खनिज परिवहन योजना को मंजूरी दी जाएगी। हम परिवहन के लिए जिले में माइनिंग कॉरिडोर यानी खनन गलियारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुरजागढ़ से आने वाले खनिज पर पहला अधिकार गढ़चिरौली का है और उद्योग स्थापित करने के मामले में पहले जिले और फिर विदर्भ पर विचार किया जाएगा। सम्मानित पुलिस कर्मियों को शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने अहिरे में जिला पुलिस परिसर में कैंटीन, पुस्तकालय, उद्यान आदि का उद्घाटन किया। दूरदराज के इलाकों में मोबाइल टावरों का भी उद्घाटन किया गया। उन्होंने पुलिस उप मुख्यालय प्राणहिता में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि गढ़चिरौली के कुल 63 लोगों ने इस वर्ष पदक प्राप्त किए हैं। गढ़चिरौली पुलिस को सम्मानित किया गया है क्योंकि इनमें से 33 जवानों को वीरता पुरस्कार मिला है। सुदूर पहाड़ी इलाकों में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, यह उनके काम का श्रेय है। खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य अनुभवता आलं पाहिजे आणि म्हणूनच एक विकासाची मालिका आपण सुरू केली आणि विशेषतः देशामध्ये प्रधानमंत्री मोदीजींचं सरकार आल्यानंतर देशातले जे मागासलेले भाग आहेत तुलनेने विकासामध्ये कमी राहिलेले भाग आहेत अशा भागांच्या विकासाची मालिका आपण सुरू केली। आकांक्षी जिल्हे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मोदीजींनी सांगितलंना मागास जिल्हे म्हणायचं नाही, हे आकांक्षी जिल्हे आहेत, यांच्यामध्ये विकासाची आकांक्षा आहे, यांच्यामध्ये विकासाची इच्छा आहे, यांच्यामध्ये विकासाची क्षमता आहे, यांच्याकडे विकासाची संभावना आहे। त्यामुळे अशा या आकांक्षी जिल्ह्याच्या विकासाचं काम हातामध्ये घेतलं पाहिजे आणि मला अतिशय आनंद आहे की गेल्या 8-9 वर्षामध्ये एक विजिबल परिवर्तन आपण पाहू शकतो। आज देखील इथे येण्यापूर्वी आम्ही पुलाचं उद्घाटन केलं, एक पूल जो त्या ठिकाणी छत्तीसगडला आपल्याशी जोडतोय, दुसरा पूल हा गावांना जोडतोय। या पुलामुळे 17 गाव जे पावसाळ्यामध्ये 3-4 महिने पूर्णपणे कटऑफ असायचे, ज्या गावामध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार एवढंच नाही अन्नधान्य देखील पोहोचवणं कठीण असायचं, अशी 17 गावं आज या पुलांमुळे जुळली आणि आता बारमाही त्या ठिकाणी लोकांचं आवागमन होऊ शकेल अशा प्रकारची व्यवस्था। मिसेल न्यूज के लिए गढ़चिरौली से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट। वाड़ी शहर भर में आजादी का जश्न हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। वाड़ी नगर परिषद में मुख्य अधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख, उप मुख्याधिकारी रत्नमाला फटिंग, उप मुख्याधिकारी गौरव गार्गे ने ध्वजारोहण किया। विभिन्न संस्थाओं, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ जिसमें देश की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष प्रेम झाड़े, पूर्व उपनगराध्यक्ष नरेश सर्डे, संतोष नरवाड़े, हर्षल काकड़े, संतोष केचे, नरेंद्र मेंढे, आनंद कदम, श्याम मंडपे, कैलाश मंथापुरवार, राकेश मिश्रा, आशीष नंदाकोड़ी, राजेश संगले, मनोज भांगे, योगेश सर्डे, योगेश जागीरदार, नरंजय गोतमारे, रमेश कोकाटे, भरत ढोके उपस्थित थे। वाड़ी थाने के क्राइम PI विनोद गोडबोले द्वारा पुलिस स्टेशन में ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इसके बाद पुलिस निरीक्षक गोडबोले ने वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त जवानों को श्रॉल श्रीफल से अभिनंदन किया। इस अवसर पर APR अचल कपूर, APR राहुल सावंत, PSI गणेश मुंडे, PSI महेश घोगी, PSI वीरेंद्र नाचन, गोपिया डिवीजन के चक्रधर भरवत, HC तुलसीदास शुक्ला, प्रमोद गिरी और अन्य उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाड़ी शहर की ओर से दत्तवाड़ी कार्यालय में ध्वजारोहण पूर्व सैनिक पी विठल वार के हस्ते किया गया। इस दौरान राजेश जायसवाल, सुरेंद्र मोरे, संतोष नरवाड़े, प्रेम झाड़े, श्याम मंडपे, अशोक माने, रेखा लिचड़े, सारिका दोरखंडे, दिलीप दोरखंडे, वसंतराव एखनकर, दिनेश उइके, हिम्मत घड़ेकर, मधुरी बोतुले, सारिका गुलाने, रोशन काकड़े, अमित हुसनापुरे, सचिन मुने आदि की उपस्थिति में ध्वजारोहण संपन्न किया।
उत्तम किड्स कॉन्वेंट में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नागलवाड़ी स्थित सरपंच हीराबाई सहारे के हस्ते उत्तम किड्स कॉन्वेंट में ध्वजारोहण किया। उत्कर्ष नाम विकास बहुद्देशीय संस्थान के अध्यक्ष जनार्दन भगत, उत्तम किड्स कॉन्वेंट के निदेशक रजनी बाकड़े, पूर्व उप सरपंच नाना लपकाले, उप सरपंच जेवेंद्र चौरे उपस्थित थे। पूर्व सरपंच महादेव मदले, ग्राम पंचायत सदस्य छाया मारुति, राकेश बगड़ते, उमेश ढगे, आशीष दाते, गणपत मारे, अश्विनी बोमले, कविता मदाड़े, कल्पना मिश्रा, माधुरी तराए, अलका राउत, श्वेता ढंगे, ज्योत्सना राउत, प्रीति ठाकरे, संगीत दाते की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। पारशिवनी तहसील सीमा अंतर्गत पेंच जलाशय से होते हुए पेंच नदी उगम हुआ है। वहीं पेंच नदी में पुरातन कालीन महादेव देवस्थान होने से यहां पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं इस नदी पात्र में पर्यटकों के लिए एवं उनके परिवारों के लिए छुट्टी मनाने का अवसर प्राप्त होता है, जहां पर नदी के पानी में नहाने और कर खुली रेत में मौज मजा कर पर्यटन यहां पर लुत्फ उठाते हैं। वहीं इस नदी पात्र में बीचों बीच हजारों दुकानें जहां पर खाने पीने के अलावा खरीदारी के साहित्य पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बच्चों के लिए इस जगह खेलकूद के स्टॉल लगाए गए, जिससे यहां पर आए दिन पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई देती है, जिससे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इसी घोघरा महादेव देवस्थान परिसर पर जाने के लिए छोटे रास्ते होने से वाहनों की आवागमन पर भारी विपरीत असर पड़ रहा है, जिससे आए दिन घोघरा रास्ते पर अवरोध निर्माण होता दिखाई दे रहा है। रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से आने जाने में भारी दिक्कत इन वाहन चालकों को झेलनी पड़ती है। तीर्थ स्थल पर ना तो पीने का पानी और ना ही उचित पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे यहां आने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विधायक और सांसद द्वारा यहां पर जरूरी सुविधाएं निर्माण करने की आवश्यकता है। यहां के हालात मालूम होते हुए भी विधायक तथा सांसद इस ओर ध्यान देने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। इतवार और शनिवार को इस पर्यटन स्थल पर भारी भीड़ जमा होती है, जिससे यहां के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के बड़े अवसर निर्माण होते हैं। जबकि इन पर्यटनों और श्रद्धालुओं को सुविधा नहीं मिली तो यहाँ के पर्यटक दूसरी ओर पर्यटक जाने पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे यहाँ के बेरोजगारों के रोजगार पर विपरीत असर होने का अंदेशा लगाया जा सकता है। इसलिए समय रहते तत्काल इस पर्यटन स्थल पर सुविधा मुहैया करने की मांग पारशिवनी नगर वासियों द्वारा की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट। नगरपालिका प्रशासन काल में शहर की दिनों दिन बढ़ती समस्या को लेकर राष्ट्रवादी के नेता एडवोकेट सुधीर कोठारी के नेतृत्व में असंख्य कार्यकर्ता के साथ आज मुख्याधिकारी नगरपालिका को ज्ञापन दिया गया और चर्चा की गई। मुख्याधिकारी हर्षल गायकवाड़ ने समस्या पर जल्दी समाधान का आश्वासन दिया। यह मोर्चा राष्ट्रवादी के नेता एडवोकेट सुधीर कोठारी की आवाज से असंख्य कार्यकर्ता के साथ निकलकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचा। इस वक्त मुख्याधिकारी इनको निवेदन देके शहर के निर्माण हुए समस्या के बारे में प्रदीर्घ काल चर्चा के बाद मुख्याधिकारी ने जनता को होने वाली परेशानी पर तुरंत संज्ञान लेके समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान राष्ट्रवादी के नेता एडवोकेट सुधीर कोठारी और पदाधिकारियों से कई मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उचित समस्या का समाधान दिए गए समय काल में नहीं हुआ तो आने वाले समय में तीव्र आंदोलन का इशारा किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून शहरात सुरू असलेल्या समस्येबद्दल निवेदन देण्यात आलं आहे। तसंच मुख्य अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा सुद्धा करण्यात आली आहे। आपल्याबरोबर म्हणजे राष्ट्रवादीचे नेते आहेत, त्यांना विचारूया। आज आपले निवेदन जे आहे चर्चा की मुख्य अधिकारी ते क्या हल निघला आहे, क्या बताय? तर काही निघालं नाही, फक्त त्यांनी आपला स्पष्टीकरण, नगरपालिकेचं स्पष्टीकरण आणि त्यांचं स्वतःचं स्पष्टीकरण दिलं। आम्ही आजचा जो आमचा डिपुटेशन होता, आम्ही आज जे निवेदन नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याला दिला, ते या नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आहे आणि प्रशासकीय आहे। इथे निवडून आलेली बॉडी सध्या आजच्या स्थितीमध्ये नाही आहे। आम्ही काही मुद्दे घेऊन आजचा आमचा डिपुटेशन होता। आपल्या मुख्य मागण्या काय? आमची मुख्य मागणी अशी होती की बिल्डिंग बांधकामामध्ये आणि अतिक्रमणामध्ये या नगरपालिकेमध्ये भयानक असा भ्रष्टाचार आहे। म्हणजे आपण कल्पना करू शकत नाही इतका भ्रष्टाचार या नगरपालिकेमध्ये। या दोन
विभागामध्ये आहे, म्हणजे बांधकाम विभाग, बांधकाम विभाग म्हणजे तुमचा नगर रचना विभाग म्हणजे जिथे बांधकामाची परवानगी मिळते, आणि अतिक्रमण विभाग मध्ये खूप भ्रष्टाचार आहे आणि तो भ्रष्टाचार आपण थांबवला पाहिजे, ही एक आमची विनंती होती. सकारात्मक झाली का मुख्याधिकारी साहेब? सकारात्मक म्हणजे काय, त्यांनी फक्त आपला सादरीकरण केलं किंवा त्यांनी आपली स्पष्टीकरण दिला की बा काही असलं तर तुम्ही मला फोन करा, माझा फोन नंबर सगळ्यांजवळ आहे, असा भ्रष्टाचार मी होऊ देणार नाही. आम्ही त्यांना अल्टिमेटम दिलेलं आहे, तीन समोर मार्ग नाही निघला तर आपल्या समोर आम्ही तीन आठवड्याचा त्यांना अल्टिमेटम दिलेला आहे, चेतावणी दिलेली आहे की तीन आठवड्यामध्ये आमच्या जे मागण्या आहे, म्हणजे एक मागणी भ्रष्टाचाराची, दुसरी मागणी इथे म्हणजे पाणी पुरवठा योजना जी आहे, मलनिःसारण योजना आहे, त्या दोन्ही योजना 2 वर्षामध्ये कम्प्लीट करायच्या होत्या. 2017 कार्यान्वित झाले, 5 वर्ष झाले, ते अजून कम्प्लीट झालेली नाही, पूर्ण झालेली नाही, आणि त्याचा फायदा जो हिंगणघाटच्या जनतेला, नागरिकांना मिळायला पाहिजे ते मिळाला नाही, अजूनपर्यंत मिळाला नाही आहे. साधारणतः 61 कोटी रुपयाची पाणी पुरवठ्याची योजना आणि 82 कोटी रुपयाची मलनिःसारणची योजना. आज स्थिती अशी आहे की पाणी पुरवठा योजनामध्ये जी आहे जो पिरियड लेट झाला, जे उशीर झाला योजना कार्यान्वित करण्यामध्ये, त्याची पर डे 1 दिवसाची पेनल्टी आहे 74,000 रुपये. ती नगरपालिकेने लावली नाही, वेळोवेळी एक्सटेन्शन देत गेले, मुदतवाढ देत गेले, आणि त्याच्यामुळे काय झालं की ही नगरपालिका पैसे खर्च करून सुद्धा, शासनाचे पैसे, काही नगरपालिकेचे पैसे, केंद्र शासनाचे, राज्य शासनाचे आणि काही नगरपालिकेचे पैसे, हे खर्च करून सुद्धा इथे लोकांना फायदा मिळालेला नाही. आणि चौथा आमचा होता की या 2 योजनेमुळे जे रोड सगळे फुटलेले आहे, सगळे रोड फोडावे लागले, या 2 योजना कार्यान्वित करण्यासाठी रोड फोडावे लागले, त्याची डागडूग या 5 वर्षामध्ये सुद्धा झालेली नाही, ती ताबडतोब तातडीने करण्यात येणार. एकूणच राष्ट्रवादीचे जे नेते होते त्यांच्याशी आपण बातचीत केली, त्यांची चर्चा मुख्य अधिकाऱ्यांची झाली आहे, येणाऱ्या काळात 3 आठवड्यांचा जो अल्टिमेट म्हणजे इशारा दिला आहे नगरपालिकेला प्रशासन चांगलं करण्याकरिता, अशीच प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते यांनी दिली. महिला शहर अध्यक्ष ह्या सुद्धा आपल्यासोबत आहे, त्यांची सुद्धा प्रतिक्रिया देऊ. आज आपण निवेदन दिलं, मुख्य अधिकाऱ्यांशी बातचीत केली, काय समाधान निघलं किंवा काय तुमची मागणी केली? आमची मागणी होती की जे नगरपालिकेमध्ये जो भ्रष्टाचार आहे तो सगळ्यात पहिले थांबवावा. आज सामान्य माणसाला, सामान्य जनतेला जो त्रास होऊन राहिला त्याच्यामुळे की आपण एखादी मृत्यू सर्टिफिकेट काढायला गेलो जे 3 दिवसात निघायचं, तर ते आज आपल्याला 8 ते 10 किंवा 10 पुढे दिवस लागते, पण आपल्याला लवकर मृत्यू पत्र मिळेल. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहिलं 9, 10, 11 जे ते जे याच्यासाठी रोड खोडून ठेवले त्या रोडवरती नाही, त्यांनी तर सांगितलं की सगळं पोर्टलवर आहे, त्याच्यामुळे तरी आम्हाला वाटत नाही की जे येईल बा वर्ण आणि मग आम्ही करू, हीच भाषा होती त्यांची. आणि जे आता आम्ही त्यांना 3 आठवड्याचं त्यांना अल्टिमेट दिलं आहे, त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यावर जे ॲक्शन घेणार ती पुढची घेऊ. एकूणच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आपल्या पुढील जे आता जे डेंग्यूची आमचे जे माननीय ॲडव्होकेट साहेब आहेत, सुधीर कोठारी साहेब, ते जे ठरवतील की त्या पद्धतीने आम्ही आता मीटिंग लावू, कोणत्या पद्धतीने आपल्याला आता आपला जो मुद्दे आहे जनतेचे ते कोणत्या पद्धतीने आपल्याला प्रखरतेने मांडता येईल त्या पद्धतीने आम्ही ते. राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष, महिला शहर अध्यक्ष यांच्याशी आपण बातचीत केली, आज दिलेल्या निवेदनाबद्दल मुख्य अधिकारी झाली चर्चा आणि समोरील आलोचना काही. मिस एन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट. शरद पवार देश के वरिष्ठ नेता है, देश की राजनीति में हमेशा असमंजस की स्थिति रहती है. शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात से अस्थिरता पैदा हो गई है, उन्हें ऐसा कोई रुख नहीं अपनाना चाहिए. परिवार अलग है और राजनीति अलग है, यह समझना चाहिए कि विचारों की लड़ाई में शरद पवार महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे, शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री और चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक नितिन राउत ने कहा, शरद पवार साहेब हे देशाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, मार्गदर्शक आहेत, परंतु गेल्या काही दिवसांमध्ये जे जे काही घडतं आहे त्यामुळं त्यांच्याविषयीचा जो संभ्रम या देशाच्या राजकारणामध्ये लोकांमध्ये पसरायला लागला आहे, निश्चितच त्याची काळजी ते स्वतःही घेतील असं मला या ठिकाणी नमूद करा असं वाटतं. कारण शेवटी त्यांच्यापासनं अनेक आमच्यासारखे लहान मंडळी शिकत असतात, आणि मला तरी वाटतं की ते कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीशी संगणमत करणार नाहीत. तसा काही फारसा फरक
पडत नाही आमच्या पक्षावरती, कारण काँग्रेस पक्ष हा तळागाळापर्यंत आहे, प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये आहे, गावागावांमध्ये आहे। परंतु या ठिकाणी मला सांगावसं वाटतं की पवार साहेब हे आघाडी सोडणार नाही। हिंगनघाट शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर कई दिनों से कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। आज सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए तहसील कार्यालय के सामने मुंडन आंदोलन किया गया। शहर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सभी दलों के नेता, कई संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर जुटे हुए हैं। हिंगनघाट में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर विधायक समीर कुनावार और राष्ट्रवादी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने विधानसभा सत्र में हिंगनघाट शहर के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग की, लेकिन जिले में 3 स्थानों की मांग होने पर एक समिति की स्थापना की गई और जगह निश्चित नहीं की गई। आज 17 अगस्त को शहर के तहसील कार्यालय के सामने सामाजिक कार्यकर्ता श्याम इडप्पा ने मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर मुंडन आंदोलन करके सरकार का ध्यान केंद्रित किया। इस मौके पर राष्ट्रवादी के पूर्व विधायक राजोति मांडे, राष्ट्रवादी के महासचिव अतुल वांतिले समेत कई सामाजिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज च्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात विद्रोह किंवा हे आंदोलन हिंगनघाट शहरात सुरू आहे, त्याच धर्तीवर आज मुंडन आंदोलन श्याम इडप्पा याच्याकडून करण्यात आलं। त्यांचं काय म्हणणं आहे आज आपले मुंडन आंदोलन नियमचं काय काय आहे? हमारे तो आज बहुत दिनों से 3 महीने से आंदोलन चालू है, 81-82 दिवसों तो धरने आंदोलन चालू है हमारा वाला। इसके पहले भी हमने अधिवेशन के अंदर में सन्माननीय श्री जयंतराव पाटिल के, राष्ट्रवादी के जो प्रदेशाध्यक्ष है, उनके तरफ से वहाँ वाचा फोडण्यासाठी आम्ही तिथे खूप प्रयत्न केले। आमचे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे, शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे, म्हणून शासनाचा मी निषेध करत आहे। आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हिंगनघाटलाच मिळेल, हिंगनघाटलाच द्यायला पाहिजे। आणि हिंगनघाटला जर नाही मिळाला तर मिटा देंगे हम अपनी हस्ती को, मगर वो मर्तबा चाहेंगे हम, अगर खाक पे भी मिल गए तो गुले गुलजार काय लाएंगे। एकूणच मुंडन आंदोलनानंतरही सरकारला दाग नाही आला किंवा हिंगनघाटमध्ये मेडिकल कॉलेज संदर्भात विचार केला गेला नाही, तर त्यासमोरील आंदोलन काय आहे? सभागृह आता मी सांगितलं, महाराष्ट्रात कोणताही मंत्री हिंगनघाटामध्ये पाय ठेवणार नाही हे बोललेलं, आणि आता दिवसेंदिवस आंदोलन तीव्र होईल तर हिंगनघाटच्या आमदाराला सुद्धा हिंगनघाटमध्ये येऊ देणार नाही, ही माझी समोरची आमची तीव्रता राहील, भूमिका राहील आमची वाली पुढची। आजच्या ज्या आंदोलनात आहे किती लोकांचा सहभाग आहे? मुंडन आंदोलन आपण एकट्यानेच केलाय, एकट्याचा सहभाग आहे का आणखी कोणी काय लोक? मी हिंगनघाटचा समाजसेवक असल्यामुळे मला सर्व सुरुवात केलेली आहे, हिंगनघाटचा समाजसेवक असल्यामुळे मी पुष्कळचे आंदोलन एकटे केले असल्यामुळे हे सुद्धा शासनाचा विरोध म्हणून आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हिंगनघाटला मिळावं आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सोबत हिंगनघाटला शासनाने जो छोटे लोकसंख्या असलेले तालुके जिल्हा परिषद केले। आजच्या आंदोलनाला आपला कुठला कुठला पक्षाचा सहभाग आहे किंवा कुठल्या कुठल्या या समाजचे? आम्ही सर्व लोक सोबत आहोत, आम्ही हिंगनघाटचे नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा विशेष सहभाग आहे, पाठिंबा आहे माझ्यासोबत, माझ्या आजूबाजूला उभे आहे। एकूणच मुंडन आंदोलन श्याम इडप्पा इथं संपलेलं आहे, या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी, अनेक कार्यकर्ते आणि अनेक सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते। मिशन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट। सांदेर तालुका मराठी पत्रकार संघ द्वारा राज्य में पत्रकारों पर बढ़ते हमले तथा नाकाम सिद्ध होते पत्रकार संरक्षण कायदा कठोरता से लागू करने की मांग का निवेदन तहसीलदार सांदेर मलिक वीरानी के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को सांदेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले, सचिव लक्ष्मीकांत द्यूटे, कार्याध्यक्ष दीपक कटारे, उपाध्यक्ष अनंता पडाल आदि के नेतृत्व में तालुका मराठी पत्रकार संघ के सदस्यों की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा। 17 अगस्त 2023 को महाराष्ट्र राज्य में पत्रकारों के हित में कार्यरत करीब 11 संगठनों ने अपने अपने स्तर पर पत्रकार भाइयों को न्याय दिलाने में नाकाम सिद्ध हो रहे पत्रकार संरक्षण कायदा कठोरता से लागू करने तथा मामले के दोषियों पर पत्रकार संरक्षण कायदा अंतर्गत मामले दर्ज कराकर जल्द गति न्यायालय में शीघ्रता से निपटारा करने तथा जो पुलिस अधिकारी पत्रकारों पर हुए मारपीट, जानलेवा हमले, धमकाना, गाली गलौज आदि मामलों में पत्रकार संरक्षण कायदे की धारा अंतर्गत मामले दर्ज कराने में टालमटोल करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर भी बड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। पत्रकार लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ है तथा समाज के आईने जैसा कार्य अपनी जान जोखिम में डालकर करता है। राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ते, असामाजिक तत्व तथा जिनके विरोध में खबरें चलाई जाती है, ऐसे लोगों की नजरों में खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को दुश्मन की नजरों से देखा जाता है तथा अपने रसूखों के चलते उन्हें डराया धमकाया जाता है। अनेकों बार तो उन पर जानलेवा हमले तक हो जाते हैं, जिससे पत्रकार भाइयों तथा उनके परिवार में डर का वातावरण निर्माण रहता है।
ऐसे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 8 नवंबर 2019 को बनाया गया पत्रकार संरक्षण कायदा नाकाम सिद्ध हो रहा है, जिसका उदाहरण है पिछले 4 वर्षों में अलग अलग शहरों में करीब 200 पत्रकारों पर होने वाले हमले। इन मामलों के अनेक घटनाओं में पत्रकार संरक्षण कायदा अंतर्गत मामले दर्ज न होने से इस कायदे का डर नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाल ही में ऐसा मामला पाचोरा के पत्रकार को वहां के विधायक किशोर पाटिल द्वारा गाली गलौज तथा मारपीट किए जाने पर भी विधायक तथा उनके गुर्गों पर पत्रकार संरक्षण कायदा अंतर्गत मामला दर्ज न होने से महाराष्ट्र राज्य के पत्रकार भाइयों में अपनी सुरक्षाओं को लेकर काफी रोष है। ऐसे विचार इस अवसर पर सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले ने रखे। तहसीलदार मलिक वीराने को निवेदन सौंपने के बाद तहसील कार्यालय के प्रांगण में बेअसर होते पत्रकार संरक्षण कायदे की सांकेतिक प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के पूर्वाध्यक्ष तेज सिंह सावजी, सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के विनोद वासाड़े, प्राध्यापक योगेश पाटिल, पीयूष झिंझुवाड़िया, मधुकर रोकड़े, किशोर गणवीर, मुकेश झरपड़े, श्याम चव्हाण, रितेश पाटिल, शांताराम ढोके, वैभव ढोड़े, चंद्रमणि सोमकवर आदि पत्रकार भाई प्रमुखता से उपस्थित थे। आयोजन का संचालन सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के सचिव लक्ष्मीकांत देवटे ने तो आभार कार्याध्यक्ष दीपक कटारे ने माना। मराठी पत्रकार संघ की ओर से आज हमने माननीय तहसीलदार मलिक वीरानी साहब इनके माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में जो 9 नवंबर 2019 को जो कायदा बनाया पत्रकार संरक्षण कायदा, यह कायदा पत्रकारों के किसी भी काम में नहीं आ रहा है। पिछले 4 सालों के अंदर में 200 पत्रकारों के ऊपर में हमले हुए हैं और पत्रकार एक समाज का चौथा आधार स्तंभ है, जिसका काम है समाज की बुराइयों में या समाज के जो भी गलत काम हो रहा है उसको उजागर करना। ऐसे में हम जो उजागर करते हैं जिसके समाचार लगते हैं वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमारे ऊपर में वो हमले करते हैं। बंदो जो हमला झाला त्या हमल्यावर नंतर त्यांनी रिपोर्ट दाखल केली, रिपोर्टवर काही दखल न घेता कुठलीही कारवाई नाही केली आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने काही दिवसाआधी पत्रकार संरक्षण संस्था कायदा असा बनवला आहे की जर पत्रकाराला संरक्षण मिळेल पण तो कायदासुद्धा खूप कमी ठरत आहे त्या याच्यात इतरतर आम्ही त्यांचा गव्हर्नमेंट महाराष्ट्र शासनाला निषेध करत आहोत आणि याच्यानंतर जर असं कृत्य झालं तर मोठ्या याच्यात आम्ही आंदोलन करू। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में वक्त चला है यही रुकने का। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।